बैंकेट हॉल मारुति स्टेट चौराया पोतला रोड आगरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के विश्राम दिवस शनिवार को हुआ। भागवत कथा में 4 वेद पुराण गीता एवं श्रीमद भागवत महापुराण की व्याख्या पूजा पंडित करीमा किशोरी जी के मुखारबिन से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार अनाचार कटुता अभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। लोगों ने रात भर इस संगीतमय भागवत कथा का आनंद उठाया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में दूर दराज से काफी संख्या में महिलाएं पुरुष भक्तों ने कथा का आनंद उठाया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार अनाचार कटुता व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। जय श्री राधे। मेरा नाम पंडित भूपेंद्र शर्मा है। गोकुल नगर में जो भागवत कथा चल रही है पंडित गरिमा किशोरी के द्वारा, आज उनका अंतिम दिवस है। उसमें सुदामा चरित्र की बड़ी विशेष रूप से महिमा कही गई है और भागवत तो अमृत है, इस अमृत को सभी को पान करना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने से पितरों का भी मोक्ष हो जाता है और ऐसी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे, भागवत कथा का श्रवण करते रहे। राधे राधे। आज जो यहाँ पर ये भागवत चल रही है, इस एक भागवत से 400 मीटर की जगह पवित्र होती है, ये समझो पूरी कॉलोनी पवित्र हो गई। आज इस भागवत से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, इस भागवत से हमें जीने का एक सही तरीका मिलता है। आप सभी लोग ये यहाँ पर आए हैं, इस भागवत का आनंद लें और भागवत के जो प्रवचन हुए हैं उसको अपने जीवन में उतारे और मोक्ष की प्राप्ति करें। जय श्री राधे। प्रभु की असीम कृपा रंगमहल वेंकट हाल में किस तरीके से 7 दिन की श्रीमद भागवत कथा का आज विश्राम दिवस हो गया। निश्चित ही अश्रु भरी आंखों से ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पोथी आई थी, भागवत पोथी आई थी, आज वो हमारे से यहाँ विदा होकर जा रही है। और जो पंडित गरिमा किशोरी जी ने जिस तरीके से कथा का श्रवण कराया है, आसपास का क्षेत्र पूरा पावन हो गया। कहते हैं जहाँ पर श्रीमद भागवत कथा होती है वहाँ उस जगह का नहीं आसपास की जगह का कल्याण हो जाता है। आज का जो पावन पवित्र गोपाष्टमी का दिन है, गोपाष्टमी की गई है, मैया का दिन होता है, सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राधे।